हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे बच्चे अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे और आपको सभी वीडियोज यहां पर रेगुलर रूप से उपलब्ध हो रही होगी। ठीक है, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और इसमें आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री लेसन 5। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चर्चाएं अपनी हो चुकी है पिछले सेशन के अंतर्गत। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो आप लोग एक बार ऐप के ऊपर जाकर वीडियोस में स्टडी मटेरियल के अंदर जो वीडियोस हैं उनके अंदर आप लोग जरूर उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। ठीक है, साथ ही आपको जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में इसी ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज के सेशन में अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के बारे में। ठीक है ना, अच्छा इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो देखो अपन ने इसके बारे में तो बात कर रखी है अधिशोषण समतापी क्या होता है, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को बातें बता रखी है। क्या बताया मैंने पिछले सेशन में इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई है कि स्थिर ताप पर, मैंने आपको क्या बताया था वहां पर, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m व दाब p के मध्य आरेख जो होता है उसको अपन अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। इसके बारे में बात की थी अपन ने, मैंने आपको बताया था कि स्थिर ताप पर x बटे m अर्थात अधिशोषण की मात्रा और दाब p के मध्य जो आरेख बनाया जाता है उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। समतापी क्यों बोला, क्योंकि तापमान यहां पर क्या है, स्थिर है। ठीक है ना, तो उसको अपन अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, x बटे m और p के मध्य खींचा गया आरेख। ठीक है, अब इसको बनाने का जो श्रेय जाता है ना, सबसे पहले इस अधिशोषण समतापी वक्र को स्पष्ट रूप से समझाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इसको फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है। इसको जो है इस प्रकार से अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन इंग्लिश में जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं FRENDLICH। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसे लिखते हैं, तो कभी कभी इसका जो है इस प्रकार से भी आपको सुनने को मिलेगा फ्रेंडलिक। ठीक है, ये भी कभी आपको वर्ड देखने को मिल सकता है, चाहे फ्रेंडलिक बोलो चाहे फ्रेंडलिच बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले इस फ्रेंडलिक या फ्रेंडलिच नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में बताया है, अर्थात स्थिर ताप पर x बटे m व दाब के मध्य आरेख के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किसने की है, फ्रेंडलिक ने की है। और इनके द्वारा बनाए गए अधिशोषण समतापी वक्र को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र अपन कहते हैं। और वो कौन सा होता है, तो देखो आपके सामने मैंने ये बनाया हुआ है, ये फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है। ठीक है, इस प्रकार का वक्र ये होता है, देखो। ठीक है, अब इसमें क्या बातें इन्होंने समझाई इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, देखो इन्होंने अधिशोषण समतापी वक्र के अंदर जो बातें यहां पर समझाई है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा यहां पर करूं, तो देखो इसमें देखो क्या होता है, ये अधिशोषण की मात्रा है x बटे m और दाब p के मध्य आरेख बनाया गया है। देखो प्रारंभ में जब दाब कम होता है, देखो इधर, जब दाब कम होता है तो उस कंडीशन में ये लाइन आपको बिल्कुल सीधी रेखा यहां पर आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये x बटे m है और ये जो दाब है ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे x बटे m अर्थात अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इस वक्र से अपन को क्या पता चल रहा है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं निम्न तापमान पर, सॉरी निम्न दाब पर
तो जब दाब कम होता है तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, और सीधी रेखा का मतलब ये हुआ कि सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ कि निम्न दाब पर क्या होगा, x बटे m जो है वो क्या होगा, वो p की पावर 1 के समानुपाती होगा, यानी कि दाब के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा का मतलब हुआ जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, अब यहां से अपने यदि समानुपाती हटा देते हैं तो आपको पता है एक स्थिरांक यहां पर आ जाता है और वो आता है k। ठीक है ना, तो एक समीकरण अपने पास यहां पर आ जाती है और वो है x बटे m बराबर k p की पावर 1। ये तो कब होता है, निम्न दाब पर, किसको होता है, निम्न दाब। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो समझ आ गई सभी को कि यहां पर जब x बटे m और p के मध्य ग्राफ बनाया गया तो निम्न दाब पर जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, अर्थात जैसे जैसे x बटे m का मान बढ़ेगा, दाब का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कब, निम्न दाब वाली कंडीशन पर। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, अब देखो एक हम बात करते हैं कहां पर, उच्च दाब पर। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, तो देखो उच्च दाब पर लाइन बिल्कुल इस प्रकार की क्षैतिज रेखा आ गई। क्या आ गई, उच्च दाब पर क्षैतिज रेखा आ गई। अब क्षैतिज रेखा आने का मतलब क्या हुआ कि ये दाब अक्ष के समांतर रेखा आ गई, दाब के अक्ष के क्या आ गई, समांतर रेखा आ गई। मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर यानी कि यहां पर उच्च दाब पर क्या हो रहा है, उच्च दाब पर जो है ये अधिशोषण की मात्रा जो है बिल्कुल स्थिर हो गई, यानी कि दाब तो बढ़ रहा है, दाब तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परंतु अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई है, स्थिर हो गई। अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, यहां से स्थिर हो गई है इस प्रकार से। यानी कि जैसे जैसे अपन आगे यहां उच्च दाब पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m जो होती है वो p पर निर्भर नहीं करती है। यानी यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड बात अपन क्या बोल सकते हैं यहां पर कि उच्च दाब पर अपन बात करते हैं तो x बटे m जो होगा वो p की पावर 0 के समानुपाती होती है, और आपको पता है क्योंकि p की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। चलो पहले मैं इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले अपन क्या कर लेते हैं, बराबर लगाकर स्थिरांक ले आते हैं k p की पावर 0 अपने पास आ जाता है। अब चूंकि अपन जानते हैं p की पावर 0 किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी यहां पर x बटे m जो है वो बराबर हो जाएगा इसके k के। ये क्या है, स्थिरांक है, अर्थात यहां पर क्या हुआ कि उच्च दाब पर जो है, उच्च दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है x बटे m वो स्थिर होती है, अर्थात यह दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो दो कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, निम्न दाब पर ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। उच्च दाब पर अपनी बात करते हैं, ग्राफ क्षैतिज हो गया, दाब अक्ष के समानांतर हो गया है ग्राफ, इसका मतलब ये हुआ कि दाब तो बढ़ेगा परंतु अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही है, स्थिर हो गई है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो होगी p की पावर 0 के समानुपाती हो जाएगी, p की पावर 0 1 होता है, यानी कि k x / m बराबर क्या हो जाएगा, k, यानी x / m क्या होगा, उच्च दाब पर स्थिर हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कौन सी कंडीशन हो गया, उच्च दाब पर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इन्होंने बात की है कि जब दाब क्या हो, मध्यम हो, मध्यम हो तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। देखो ये बिल्कुल परवलयाकार ग्राफ आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि अपन थर्ड कंडीशन बात करेंगे इस पर, मध्यम दाब पर। ठीक है, मध्यम दाब पर अपन बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, फाइनली बोलते हैं कि मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो होती है, परवलयाकार ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अधिशोषण की मात्रा जो होगी वो दाब के घातांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दाब के घातांक पर निर्भर करती है, अर्थात x बटे m समानुपाती p की पावर 1 बटे n होता है। ये कौन बोलते हैं, फ्रैंडलिच बोलते हैं। कौन बोलते हैं, फ्रैंडलिच बोलते हैं। ठीक है ना, तो x बटे m बराबर क्या बोलते हैं, ये p की पावर 1 बटे n होता है, क्योंकि यहां पर परवलयाकार ग्राफ यहां पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो x बटे m बराबर क्या जाएगा, k p की पावर 1 बटे n यहां पर आ जाता है, और ये आपका समीकरण यहां पर आ गया है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि फाइनलिक अधिशोषण समतापी समीकरण क्या होती है,
तो आप लोग क्या बताइए, ये वाली समीकरण बताइए, एक्स बटे एम बराबर के पी की पावर एक बटे एन। तो यहां पर लिख देंगे कि यह फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है, ठीक है, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है। तो मैंने आप लोगों को ये फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र को बहुत ही विस्तार पूर्वक यहां पर बता दिया है। क्या बताया मैंने, निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, मध्यम दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो दाब के घातांक यानी 1/n पर निर्भर करती है, यानी x बटे n समानुपाती p की पावर 1/n होगा। सोल्व करेंगे तो ये समीकरण अपने पास आ जाती है और ये क्या है, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था अपना फ्राइडलिक द्वारा अधिशोषण समतापी वक्र का बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया था, जिसमें उन्होंने तीन कंडीशन निम्न दाब, उच्च दाब और मध्यम दाब के ऊपर अधिशोषण की मात्रा दाब से किस प्रकार प्रभावित होती है इसके बारे में उन्होंने बता दिया है, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को यहां तक इससे बस समझ में आ गई होगी, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब ये तो था फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, क्या है ये फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र बनाने, या यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये वक्र आपको बनाकर बताना है, ठीक है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में ही, तो यहां पर देखो आप लोग, ये जो समीकरण अपन ने लिखी है x बटे एम बराबर के पी की पावर 1/n, ठीक है। तो समीकरण, यदि समीकरण तीन के दोनों पक्षों का लघुगणक करने पर, लघुगणक मतलब लोग करने पर, यानी कि यदि इस समीकरण के दोनों पक्षों का अपन क्या कर दें, लोग कर दें, तो क्या हो जाएगा, लोग x बटे एम बराबर लोग के प्लस 1/n लोग p अपने पास आ जाएगा। आपको पता है लोग x बटे एम यहां पर अपन लगा देंगे, लोग k है तो यहां पर अपना लोग k आ गया, k की जगह क्या जाएगा, लोग k आ जाएगा। अब k और p गुणा में है, गुणा में है, किसमें है, गुणा में। तो जब अपन लोग करते हैं तो गुणा की जगह क्या जाता है, प्लस आ जाता है, क्या जाता है, प्लस, और घात हमेशा कहां आती है, आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो जब अपन p की पावर 1/n का लोग लेते हैं तो घात कहां जाएगी, आगे 1/n लोग p अपने पास, ये समीकरण अपने पास यहां पर आ जाती है। अब यदि इसको अपन व्यवस्थित कर देते, थोड़ा सा आगे की तरफ इसको ले आते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, तो अपने पास समीकरण क्या जाती है, लोग x बटे एम बराबर 1/n लोग p प्लस लोग k, ये समीकरण अपने पास यहां पर आ जाती है। और ये जो समीकरण आपको दिख रही है, ये समीकरण क्या है, ये देखो, ये आपकी सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c के बराबर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपकी जो समीकरण आपको दिख रही है, एक बट लोग x बटे एम बराबर 1/n लोग p प्लस लोग k, ये किसके जैसे दिख रही है, सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c के बराबर दिख रही है। यानी कि भी y अक्ष पर अपन किसको रखें, लोग x बटे एम को रख देते हैं, x अक्ष पर अपन किसको रखें, लोग p को रख देते हैं। तो यहां पर m क्या हो जाएगा, 1/n, जो एक क्या होता है, ग्राफ का ढाल होता है, तो ढाल तो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। और c क्या होता है, अंतःखंड होता है, तो अंतःखंड क्या हो जाएगा, ग्राफ का अंतःखंड हो जाएगा लोग k के बराबर, ठीक है ना। अब ये क्या चीज होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक ग्राफ की सहायता से, यानी आपसे क्या पूछा जाता है, इस समीकरण की सहायता से आपसे एक ग्राफ पूछा जाएगा, और वो ग्राफ कौन सा होगा, तो देखो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोग x बटे m व लोग p के मध्य वक्र क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से इस वक्र को बनाओगे, यहां पर देखो लोग x बटे एम अपन जान लिया है, y अक्ष पर लिया है, ठीक है, x अक्ष पर क्या ले लेंगे अपन, log
पी, इनके मध्य यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो देखो क्या होता है, ये कौन सी समीकरण है, वाई बराबर एम एक्स प्लस टी जो होती है सरल रेखा समीकरण है। मैथ्स वाले बच्चे जो है उसको अच्छा आसानी से समझ पाएंगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस टी क्या है, सरल रेखा समीकरण है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतःखंड दिया हुआ है। अब देखो जब भी अंतःखंड आ जाता है, सी आ जाता है, तो वो जो सरल रेखा है वो मूल बिंदु से शुरू ना होकर मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर सरल रेखा जो आएगी वो इस प्रकार से सरल रेखा यहाँ पर आती है। अब ये कहां से शुरू हो रही है, मूल बिंदु से शुरू ना होकर थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगी, यानी कि ये जो चीज यहाँ पर आ रही है ये क्या है, अंतःखंड है। ये क्या है, अंतःखंड है। और अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, सी किसके बराबर है, लॉग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है इसका ढाल यदि आप लोगों से पूछा जाए, इसका ढाल यदि आप लोगों से पूछा जाए तो ढाल किसके बराबर होता है, m, m की जगह क्या आ रहा है, एक बटे n के बराबर इसका ढाल होता है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि लोग x बटे एम और लोग पी के मध्य ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, तो इस प्रकार का ग्राफ ये प्राप्त होगा जिसमें अंतःखंड लोग के बराबर होगा, ढाल एक बटे एन के बराबर होती है, ठीक है ना। तो चाहे वो एक्स बटे एम से एम और पी के मध्य ग्राफ पूछे तो अपन पहला वाला ग्राफ बनाएंगे, यदि आप लोगों से लोग एक्स बटे एम और लोग पी के मध्य ग्राफ पूछा जाए तो इस प्रकार का ग्राफ आपको बनाकर बताना है जिसका अंतरखंड लोग के होगा और ढाल एक बटे एम होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था अपना फाइनली का अधिशोषण समतापी वक्र, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने आपके सामने यहाँ पर की है, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको सारी विषय वस्तु बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी आपके जितने भी प्यारे मित्र हैं जो भी बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं घर के अंदर, वो सभी इसका लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें ताकि आप सभी का प्यार की वजह से ये क्लासेस जो है रेगुलर इसी प्रकार से चल सके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।